एमपी में थमा चुनाव प्रचार का शोर, पीएम मोदी राहुल से लेकर शिवराज कमलनाथ तक किसने कितनी रैली की। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव 17 नवंबर को होना है। ऐसे में मध्य प्रदेश में आज यानी बुधवार 15 नवंबर को चुनाव प्रचार का शोर थम गया। इसके बाद पर्ची के बहाने प्रत्याशी घर घर पहुंचकर चुनाव प्रचार करेंगे, क्योंकि मतदान के 48 घंटे पहले चुनाव प्रचार बंद हो जाता है। हालांकि चुनाव प्रचार के लिए बिना शोर डोर टू डोर संपर्क किया जाता है। वहीं चुनाव के दौरान दोनों शीर्ष पार्टियां बीजेपी और कांग्रेस के अलावा अन्य पार्टी और निर्दलीय प्रत्याशियों ने जमकर प्रचार किया। कई तरह के स्लोगन के साथ मतदाताओं को रिझाने की कोशिश की गई। हालांकि चुनाव के नतीजे आने के बाद ही पता चलेगा कि किस नारे का प्रभाव मतदाताओं पर पड़ा। ऐसे में आइए जानते हैं किस पार्टी के किस नेता ने कहां कहां और कब कब चुनाव प्रचार किया। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं ने जनता से संपर्क किया। इस दौरान कई वादे किए। चुनाव प्रचार के लिए कई बड़े नेता चुनावी मैदान में प्रचार करते दिखे। ऐसे में आइए ये जानते हैं कि विधानसभा चुनाव के लिए किस नेता ने कितने दिनों तक चुनाव प्रचार किया। पीएम मोदी ने 7 दिन प्रचार, 15 जिलों में प्रचार, 14 रैली और 1 रोड शो किया। अमित शाह ने 6 दिन प्रचार, 13 जिलों में प्रचार, 17 रैली, 2 रोड शो, 2 मंदिर में दर्शन किया। योगी आदित्यनाथ ने 4 दिन प्रचार, 13 जिलों में प्रचार, 14 रैली, 2 रोड शो किया। राहुल गांधी ने 5 दिन प्रचार, 10 जिलों में प्रचार, 10 रैली, 2 रोड शो किया। प्रियंका गांधी वाड्रा 6 दिन प्रचार, 9 जिलों में प्रचार, 10 रैली, 1 रोड शो किया। कमलनाथ ने दी बीजेपी को चेतावनी। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के प्रचार के अंतिम दिन पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने एमपी में कई विधानसभाओं पर आम सभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी को इशारों ही इशारों में चेतावनी भी दे डाली। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की सरकार आने पर सभी का हिसाब किताब होगा। कमलनाथ ने कहा कि कटनी के लोगों को गुलामी से आज़ादी मिलेगी। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने प्रचार के अंतिम दिन कटनी में आम सभा को संबोधित किया। कांग्रेस प्रत्याशी नीरज सिंह बघेल के समर्थन में कमलनाथ ने आम सभा को संबोधित करते हुए कहा कि बीजेपी की सरकार में जो अत्याचार हुआ है उसका हिसाब किताब कांग्रेस की सरकार आने पर किया जाएगा। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा कि कटनी में खनिज संपदा सहित कई संसाधन हैं, जिससे सरकार को मोटी इनकम होती है। बावजूद इसके कटनी में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं ठप हैं, यहां पर मेडिकल कॉलेज भी नहीं दिया गया है। उन्होंने कांग्रेस की सरकार बनने पर संपूर्ण विकास का वादा भी किया। कमलनाथ ने कहा कि कांग्रेस की सरकार में ही कटनी को अलग जिले की पहचान दी गई थी। उस समय जबलपुर के लोगों ने इसका विरोध भी किया था, मगर कांग्रेस ने अपना वादा पूरा करते हुए कटनी को जिला बनाया। कांग्रेस की सरकार बढ़ते ही रोजगार बढ़ेगा, कमलनाथ। कमलनाथ ने कहा कि वर्तमान में मध्य प्रदेश के लोगों को रोजगार की आवश्यकता है, युवाओं का भविष्य अंधकार में हो रहा है। कांग्रेस की सरकार बनते ही रोजगार की दिशा में बड़े कदम उठाए जाएंगे, मध्य प्रदेश में बड़ा निवेश किया जाएगा। एमपी सरकार के भ्रष्टाचार के कारण यहाँ निवेश नहीं आ पा रहा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने प्रचार के अंतिम दिन आम सभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि जब कांग्रेस की सरकार बनी थी उस समय कमलनाथ ने 900 में से 9 घोषणाओं को भी पूरा नहीं किया था। कमलनाथ ने वादा खिलाफी के कारण मध्य प्रदेश से उनकी सरकार चली गई। कमलनाथ एक बार फिर जनता से झूठा वादा कर रहे हैं। 5 साल पहले आप सब ने कांग्रेस पार्टी की सरकार चुनी थी, बीजेपी की सरकार नहीं चुनी थी आपने। मध्य प्रदेश की जनता ने कांग्रेस पार्टी को चुनाव जिताया था, सही? और फिर बीजेपी के नेताओं ने, नरेंद्र मोदी जी ने, शिवराज चौहान जी ने, अमित शाह जी ने मिलकर एमएलएस को खरीद कर आपकी सरकार, मध्य प्रदेश की चुनी हुई सरकार को चोरी किया। करोड़ों रुपए देकर कांग्रेस पार्टी के एमएलएस को खरीद कर सौदा करके जो आपका निर्णय था, जो आपकी दिल की आवाज थी, उसको बीजेपी के नेताओं ने, प्रधानमंत्री ने कुचलने का काम किया।
आपके साथ धोखा किया। किसके साथ? मध्य प्रदेश के अरबपतियों को धोखा नहीं दिया, किसानों को धोखा दिया। 27 लाख किसानों का पहली किस्त में मध्य प्रदेश में माफ किया और खंडवा जिले में 58,000 किसानों का 260 करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया। किया पहली किस्त में? आने दो जी अपनी सरकार, ये तो पहली किस्त थी, हमने दूसरी किस्त चालू करी थी। केवल डिफॉल्टर का नहीं, चालू खातों वालों का भी आएगी अपनी सरकार और हम हर किसान का कर्जा माफ करेंगे। मेरे परिवारजनों, हमने परसों ही धूमधाम से दिवाली मनाई है। अगली दिवाली 3 दिसंबर को मनाएंगे, जब एमपी में पूरी शान से फिर कमल खिलेगा। और इसलिए ऐसा तो नहीं होगा ना, इतनी बड़ी जबरदस्त जनसभा हो गई, ऐतिहासिक सभा हो गई, मोदी का भाषण भी बहुत अच्छा हो गया, चलो बहुत हो गया, सो जाए, बहुत हो गया, अब तो क्या है, जीतने ही वाले हैं, कुछ करने की जरूरत नहीं, ऐसा तो नहीं होगा ना, ऐसा तो नहीं होगा ना। सो नहीं जाओगे ना, घर घर जाओगे, मेरी ये बात बताओगे, कमल खिलाओगे, ज्यादा से ज्यादा मतदान कराओगे, अधिकतम मतदान की गारंटी देते हो आप? इस बार मध्य प्रदेश में भाजपा के जीरन जीत की गारंटी जनता जनार्दन खुद दे रही है। और मुझे पता है कि शाजापुर वालों के लिए दाल बाटी, तोला राम की कचौरी और दूध जलेबी आपके लिए इसका कितना महत्व है, मैं यहां आता था मुझे मालूम है। बाकी सब काम बाद में, पहले तो तोला राम। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार है। अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अद्भुत नेता हैं दुनिया के, तो डबल इंजन की सरकार, मोदी जी वहां है, मामा यहां है। कांग्रेस की सरकार मनोरंजन की सरकार, हम डबल इंजन, वो मनोरंजन है। दोनों भाई बहन मनोरंजन करने ही आते, इतना झूठ बोलते, कहते 3 साल में केवल 21 लोगों को रोजगार दिया, प्रियंका गांधी कहती है। अरे कुछ तो शर्म करो, इतना झूठ तो मत बोलो। और तो और ये बता गई कि भगवान राम को 13 साल वनवास हुआ था। कितने साल हुआ था बताओ? अब इनको यही पता नहीं कि राम भगवान को वनवास कितने साल हुआ था, कुछ तो भी बोल जाते। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।